हरियाणा प्रदेश में 97 निजी एडेड कॉलेज हैं, जिनमें टीचिंग व नॉन टीचिंग में 4600 का एडेड स्टाफ है। इन्हें मिल रहे वेतन में 95% सरकार व 5% शेयर कॉलेजों का है। पिछले 2 साल से सरकार व हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडेड स्टाफ को निजी एडेड कॉलेजों से सरकारी कॉलेजों में टेक ओवर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट प्राइवेट एडेड कॉलेजेस टेक ओवर पॉलिसी के विरोध में उतर आई है। एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने पॉलिसी रद्द करने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बात रखी है कि अगर एडिट स्टाफ को सरकारी कॉलेजों में टेक ओवर कर लिया जाता है तो निजी एडिट कॉलेज में स्टाफ कम हो जाएगा, मजबूरन प्रबंधन को नया स्टाफ रखना होगा, जिसमें खर्च बढ़ने से लेकर सेल्फ फाइनेंस कोर्स महंगे हो सकते हैं, इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों की भी परेशानी बढ़ेगी। तेजवीर सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने उनकी मांग सुनने के बाद सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में मामला डाल समाधान का आश्वासन दिया है। सम्मानजनक तरीके से आदर से उन्होंने हमारी बात सुनी। जो हमारी एसोसिएशन की मांग है कि जो गवर्नमेंट की प्रपोज्ड पॉलिसी है परमानेंट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को टेक ओवर करने की 97 एडेड कॉलेजेस से, इसको सीएम साहब से डिस्कस करके इसको हमने तो यही मांग रखी कि इसको लागू नहीं करना है, इससे हायर एजुकेशन पे बहुत नेगेटिव असर जाएगा। और आदरणीय मंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, आपकी हम बात को मानते हैं और सीएम साहब से हम डिस्कस करके आपके इस काम को, जो आपकी रिक्वेस्ट है, इसको हम इस तरह से टेकअप करेंगे। आने वाले समय में वो डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन और श्री अंकुर गुप्ता जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन, वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर और एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर वो अपने लेवल पे जो भी डिसीजन लेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे।